बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से, जहां पर राम जन्मभूमि की सुरक्षा येलो जोन में तैनात पुलिसकर्मी सुधीर यादव को एसएसपी शैलेश पांडे ने युवती से अश्लील हरकत के मामले में सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि मामला कोतवाली नगर के अंगूरी बाग का है, जहां 16 मई को आरोपी सिपाही ने नशे की हालत में पेशाब करते समय अश्लील हरकत की थी। तो वहीं सिपाही की इस हरकत से परेशान युवती वहां से भागने लगी तो सिपाही ने पीछा शुरू कर दिया। इससे नाराज वहां खड़े लोगों ने सिपाही की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया था। इस घटना के समय आरोपी सिपाही सुधीर यादव सिविल ड्रेस में था। इसके बाद से जहां एक ओर सिपाही के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी, वहीं आरोपी को बचाने के लिए घमासान चलता रहा। एसएसपी शैलेश पांडे ने प्राथमिक जांच में सिपाही सुधीर यादव को दोषी पाने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने इस मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। उनके इस कदम ने घटना से नाराज लोगों पर मरहम लगाने का काम किया है। हालांकि अभी युवती के पक्ष में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। इस मामले की जानकारी अयोध्या एसपी सिटी विजय पाल सिंह ने दी है। दिनांक 16 मई को सायंकाल 8 बजे की बात है, एक सुधीर यादव आरक्षी जो कोतवाली नगर में तैनात था और वर्तमान में येलो जोन ड्यूटी कर रहा था, वह कोतवाली नगर क्षेत्र में अंगूरी बाग के पास से रोड के किनारे एक गुमटी के पास पेशाब कर रहा था। उसी दौरान एक युवती जो वहीं पास के मोहल्ले की रहने वाली थी, वो दुकान से दूध लेकर के वापस आ रही थी। युवती द्वारा सिपाही सुधीर यादव के विरुद्ध अभद्रता का आरोप लगाया गया है। इसको संज्ञान में लेकर के आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में जांचोपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। आरक्षी नशे की हालत में था और उसका मेडिकल करा करके जो है इसकी गहनता से जांच की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।